आप सबको बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, जिसका इंतज़ार हम सब बहुत दिनों से कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी जनता को संबोधित कर उनका मार्ग प्रशस्त करें और जनता से अनुरोध, आपको इतना खूबसूरत तोहफा मिला है, जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी संजय जायसवाल जी, मुरारी प्रसाद जी, अशोक चौधरी जी, इस क्षेत्र के सांसद छेड़ी पासवान जी, झारखंड से ही लगे हुए पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी सांसद विष्णु दयाल जी, मोहम्मद जामा खान जी, श्रीमती अनीता देवी जी, भानु प्रताप जी, श्रीमती निवेदिता जी, श्री गोपाल नारायण जी सिंह जी, श्री अजय यादव जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, प्रतिष्ठित अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, वैसे ये पुल के उद्घाटन के लिए आते समय मुझे याद आ रही है कि पिछले 2 साल में मैंने कोई भी भूमि पूजन कार्यक्रम में 1000 करोड़ के नीचे कार्यक्रम में मैं गया नहीं, पर आज इस पुल में आते हुए मुझे आनंद इस बात का हो रहा है कि ये ब्रिज की बहुत बड़ा इतिहास है। ये ब्रिज करने के लिए बिहार के पैकेज में हमने कोशिश की थी, कुछ अड़चने आ गई, यहाँ फॉरेस्ट के कारण कुछ अड़चने थी, अभी भी है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये पिछड़े हुए क्षेत्र में इस ब्रिज का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों को जोड़ने वाला है और पंडुका और झारखंड के गढ़वा जिले के श्रीनगर तक दूरी तय करने के लिए 150 किलोमीटर का यहाँ चक्कर काटना पड़ता है। ये समस्या जो थी ये हल करने के लिए ये पुल अब मंजूर हो रहा है और वाहन वालों को पंडुका से भाया NH 119 होकर डेहरी पुल से गढ़वा झारखंड आना जाना पड़ता है, पर पंडुका से गढ़वा तक जाने के लिए 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और इस पुल के बनने से 4 घंटे का समय भी बचेगा और ईंधन भी बचेगा। मुझे और खुशी है कि विशेष रूप से बिहार का जो खोआ है वो इस बार काफ़ी ट्रांसपोर्ट में सुविधा होगी जो झारखंड के बाज़ार तक भी जाएगा और इसके विकास का भी बहुत फायदा होगा। जो 3 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर हम बना रहे, वो सासाराम से 2 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तथा 1 इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजर रहा है जो रोहतास और सासाराम क्षेत्र के विकास को नई गति देगी। इस ब्रिज के निर्माण में विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि छेदी पासवान जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक दिन, वो मेरे यहाँ जब इस पुल का काम मंजूर नहीं हो रहा था, वो बोले मैं बैठ ही जाता हूँ, मैं उठता ही नहीं हूँ, और उन्होंने आपकी समस्याओं का किला इस प्रकार से लड़ा कि मैं अधिकारियों को मैंने कहा कि भाई सब बातें छोड़ दो, ये छेदीराम जी इतने बार मेरे पास आए हैं, अब इसको मंजूर करो और इसका तुरंत लेटर दे दो और इस विषय को समाप्त करो। तो मैं छेदी पासवान जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ और उसके साथ साथ हमारे झारखंड के सांसद विष्णु दयाल जी को भी, वो भी इसके लिए बार बार आए। ये दोनों के जीवन में इस ब्रिज का सपना आज पूरा होते हुए दिख रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। मैं दोनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और विष्णु दयाल जी ने जैसे कहा है कि इसका उद्घाटन करते समय वो झारखंड में कार्यक्रम करे, तो जरूर मैं उसके उद्घाटन के लिए झारखंड में आऊँगा, ये भी विश्वास विशेष रूप से देता हूँ।
मुझे इस बात की खुशी है कि पटना आरा सासाराम जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे हम बना रहे हैं, ये पटना से सासाराम तक 4,000 करोड़ की लागत से 118 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब यह है कि ये पूरा रोड अभी नया बनाएंगे और इससे निश्चित रूप से इस हाईवे से पटना से सासाराम तक 4,000 करोड़ का जो हाईवे बनेगा, इससे विकास में एक नई दिशा मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे का काम मार्च 2023 तक शुरू हो जाएगा, ये विश्वास भी मैं आपको सबको देता हूँ। यह कॉरिडोर पटना के गोनवा पटरी, रामतरी, आरा जिले के कायमनगर, बामपाली, असनी, भोजपुर जिले की गढ़नी, उद्वंत नगर, तराड़ी और रोहतास जिले के गंगोली, अखोड़ी गोला सूरा से होकर सासाराम तक बनेगा। यह कॉरिडोर जो बात की गई है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते वाराणसी, प्रयागराज तथा लखनऊ और दिल्ली एवं कलकत्ता के लिए भी एक नई कनेक्टिविटी आप सबको या विशेष रूप से सासाराम जिले के लोगों को मिलेगी, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हम वाराणसी से कलकत्ता एक ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं जिसकी लागत 40,000 करोड़ रुपए है। ये भी ग्रीनफील्ड है जो 620 किलोमीटर 6 लेन का एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो वाराणसी से कोलकाता की सफ़र 12 घंटे लगती है वो 5 घंटे में हो जाएगी, ये विश्वास मैं आप सबको देता हूँ। इसमें बिहार में 10,000 करोड़ की लागत से 163 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा और यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होकर मुगलसराय, बिहार के भभुआ, कैमूर, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, गया और झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिमी मेदिनीपुर, हुगली होकर हावड़ा जाएगा और इस ग्रीन फील्ड्स पर बनाकर खड़गपुर भी जोड़ा जाएगा और इसका भी काम सितंबर 2023 तक शुरू हो जाएगा। फिर जो चौथा जो है वो इम्पोर्टेंट है, वाराणसी औरंगाबाद चोरदहा इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये 5,000 करोड़ की लागत से 262 किलोमीटर 6 लेन लंबा वाराणसी औरंगाबाद चोरदहा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर की लंबाई उत्तर प्रदेश में 57 किलोमीटर तथा बिहार में 135 किलोमीटर है। 192 किलोमीटर में काम चल रहा है जो दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा और 70 किलोमीटर का काम अवार्ड कर दिया जाएगा और अगले साल इसका हम उद्घाटन भी करेंगे। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर वाराणसी से बिहार के औद्योगिक क्षेत्र से होकर झारखंड से धनबाद को जोड़ेगा। सांसद विष्णुदयाल जी ने यह गढ़वा के अन्नराज घाटी में लगातार होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के बारे में कहा है, हमने सड़क दुर्घटना रोकने के लिए पहली प्राथमिकता दी है और जिसका उन्हें उल्लेख किया है वो वहाँ सांकेतिक रोड, साइनेज वगैरह लगा दिए गए हैं, क्षतिग्रस्त गढ़वाल की मरम्मत भी करा दी गई है और स्थायी समाधान के लिए मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि दुर्घटना वाले स्थान में सड़क चौधरीकरण करने के लिए करीब 17 करोड़ का काम मई 2021 में अवार्ड हो गया है, पर आप झारखंड और बिहार में फॉरेस्ट वाले हमको काम ही नहीं करने देते। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण ये काम शुरू नहीं हुआ है, आप जल्दी उसको करा दीजिए। वैसे मैं तेजस्वी जी से अनुरोध करूँगा कि ये ब्रिज तो बन गया है, इसको मैं 4 लेन के राष्ट्रीय महामार्ग से जोड़ना चाहता हूँ और इसके बीच में फॉरेस्ट भी है, तो ये अलाइनमेंट हमारे दोनों सांसद और आप मिलकर मुझे बताइए, मैं इसको पूरे NH से जोड़ दूंगा और इसमें फॉरेस्ट विभाग की तरफ से जो क्लियरेंस स्टेट गवर्नमेंट का है उतना करने में आप सहयोग करिए ताकि यहाँ बहुत अच्छा विकास हो जाएगा। बिहार में 2024 समाप्त होने तक हम लोग 3,00,000 करोड़ रुपए के काम पूरे करेंगे। 1,10,000 करोड़ रुपए की लागत से हम ग्रीनफील्ड यानी एकदम नए रोड बना रहे हैं। करीब 1,00,000 करोड़ की लागत से 1,800 किलोमीटर लंबे NH का DPR बन रहा है और
करीब 40,000 करोड़ की लागत से 1300 किलोमीटर का काम 22-23 में पूरे हो जाएंगे। ये बात जरूर है कि 30,000 करोड़ की लागत से 15 ब्रिजों का हम निर्माण कर रहे हैं। यहाँ की नदियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं और मुझे मालूम है कि इसके कारण आपको बहुत तकलीफ होती है और इसलिए ब्रिज पर खर्चा भी होता है तो भी हम करेंगे। करीब 9,000 करोड़ की लागत से हम 60 बाईपास निर्माण कर रहे हैं और निश्चित रूप से मैं आपको इसमें पूरी मदद करूँगा। जो 2002 से 2014 तक 687 करोड़ रुपए CRF में दिए गए हैं और 2014 से 2022 तक करीब 3200 करोड़ रुपए के काम मंजूर हुए हैं। मैं आज नई घोषणा कर रहा हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं आपको फिर से एक बार 400 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर आरओबी नए से बनाने के लिए CRF में मंजूरी दे रहा हूं, जिसकी लिस्ट आप जल्दी भेज दीजिए। वर्तमान में जो कार्य चल रहे हैं उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट आने से हम लोग और योजना आपको निश्चित रूप से मंजूर करके देंगे और ये आरओबी की एक लिस्ट पहले आई है वो हमने मंजूर की है, आगे भी कोई होगा तो उसमें निश्चित रूप से आपको मदद करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि रास्ते के विकास से जनता का विकास होता है। मैं अक्सर मेरे ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी के इस वाक्य को लिख कर रखा है और मैं बार बार लोगों को उसको बताता हूँ। जॉन एफ केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई और इसलिए बिहार को धनवान बनाने के लिए एक तरफ रोड अच्छे बन रहे हैं। मैं ही मंत्री था नमामि गंगा का, जलमार्ग का, वाराणसी से हल्दिया तक मैंने जलमार्ग बना दिया, 3 मीटर का उसमें ड्राफ्ट है, तो जलमार्ग भी है, रास्ते भी बन रहे हैं और यहाँ के गांव और गरीब और मजदूर और किसान के लिए मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते मैंने नई योजना भी एक लाई है जिसका मैं जिक्र आपके सामने करने वाला हूँ। बिहार में 1,10,000 करोड़ की लागत से केवल 10 ग्रीन फील्ड यानी जो रोड अस्तित्व में नए रोड हम बना रहे हैं और इसका जो कार्य है रक्सौल से हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 692 किलोमीटर 6 लेन 40,000 करोड़, गोरखपुर से सिलगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 25,000 करोड़ जो 520 किलोमीटर 6 लेन है, वाराणसी से कलकत्ता 30,000 करोड़ 612 किलोमीटर 6 लेन, पटना आरा सासाराम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 4,000 करोड़ 118 किलोमीटर, पटना से बेतिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 6,500 करोड़ 165 किलोमीटर, बकरपुर से डुमरिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 2200 करोड़ 92 किलोमीटर, ग्रीनफील्ड पटना रिंग रोड 11,000 करोड़ जो 100 किलोमीटर का 6 लेन रोड है, मुंगेर से मिर्जा चौकी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 8,000 करोड़ ये 125 किलोमीटर है, अमस से दरभंगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 8,000 करोड़ ये 198 किलोमीटर है और पटना आरा बक्सर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ये 9,000 करोड़ 181 किलोमीटर है, वाराणसी से औरंगाबाद चोरदहा इकोनॉमिक कॉरिडोर 5,000 करोड़ ये 262 किलोमीटर 6 लेन है और बख्तियारपुर पटना से ओरमांझी रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर 8,000 करोड़ ये 280 किलोमीटर है और उमागांव से सहरसा ब्राउनफील्ड कॉरिडोर है 3500 करोड़ 141 किलोमीटर। ये 13 हाईवे में बिहार में बना रहा हूँ जिसकी कीमत 1,10,000 करोड़ रुपए है, पर आप चिंता मत करिए, मैं भले करोड़ों में बात करता हूँ पर हिंदुस्तान का कोई भी पत्रकार मुझे ये सवाल पूछ नहीं सकता, मैं जो बोलूँगा वो करके दूंगा और जो करूँगा वही बोलूँगा। तो ये पत्रकार भाई मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लेना ठीक से, अगर नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। 2024 समाप्त होने के पहले ये बिहार में सब रोड बन जाएंगे और बिहार का रोड हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। जैसे अभी तेजस्वी जी ने कहा
कि मेरे पास ये पूरे रोड के डिटेल्स है, ये कहाँ से जाने वाले हैं। मैं अभी ऐसा करूँगा कि वेबसाइट पर ये पूरा डाल दूँगा ताकि हमारे सभी पत्रकार भाइयों को ये मिले। मैं और एक बात आपको कहूँगा, विशेष रूप से तेजस्वी जी को, कि बिहार में जलमार्ग बहुत अच्छा है। और मैं जब मैं मंत्री था तब मेरा सपना था कि मैं पटना में हवाई जहाज को पानी पे उतारूं। जैसे हवाई जहाज एयर स्ट्रिप पे उतरता है और पानी पे उतरता है, उसको MPBSC प्लेन कहते हैं। मैं खुद मुंबई के समुंदर में उतरा हूँ, फिर हमने सरदार सरोवर को सर्विस चालू कर दी। अब स्पाइस जेट ने 100 विमानें खरीदी की है, मैंने नियम बना दिए हैं। अब इसके बाद मैं गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा में पानी पे जल्दी उतरने के लिए जाने वाला हूँ विमान में बैठकर। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो फ्लाइंग सेम MPBSC प्लेन है, वाटर प्लेन है, इसकी शुरुआत बिहार में करा दो, ताकि अगले बार मैं आऊँगा झारखंड में तो इसी नदी के पानी में उतर जाऊँगा, यही डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा। जब हमारे एविएशन मंत्री जी को मैंने कहा कि तुमने इसका कानून जल्दी बनाओ, तो जरा देरी हुई तो मैंने कहा देखो, मैं जिसको आप MPBSC प्लेन कहते हैं उसको मैं फ्लाइंग बोट कहता हूँ, हवा में उड़ने वाली बोट, और तुम अगर जल्दी नियम नहीं बनाओगे तो मैं शिपिंग मंत्री के होने के नाते जल्दी बनाऊँगा। आज सब नियम बन चुके हैं। आज बिहार में गंगा है, गंडक है, सोन नदी है, उत्तर प्रदेश और बिहार का ट्रांसपोर्ट, पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज आएंगे तो टूरिज्म दुगना होगा और बिहार के लड़कों के हाथों को काम मिलेगा, यही हमारा सबका सपना है। अभी जो मैंने हल्दिया से वाराणसी बनाया वो पूरा हुआ है, वाराणसी से प्रयागराज भी मैंने जलमार्ग बनाया है, और वर्ल्ड बैंक को मैंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। देखिए, मैं बड़ी बातें ऐसी कर रहा हूँ कि जो तुमको, आपको विश्वास लगने के लिए थोड़ा समय लगेगा, आप मुझे जानते नहीं हो ज़्यादा, पर जो मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि मैं जो बोलता हूँ वो 101% होता है। इसलिए आप विश्वास रखिए कि जलमार्ग के तरफ भी बिहार की सरकार की ओर से तेजस्वी जी आप ध्यान देंगे तो रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपये खर्चा होता है, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपये लगता है, तो पानी से जाने के लिए केवल 1 रुपया लगता है। और मैंने जो रोड बनाया है वो सोनीपत पानीपत से यमुना से डायरेक्ट दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरावा से इटावा, इटावा से प्रयागराज, प्रयागराज से वाराणसी, और वाराणसी से हल्दिया, और हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी, और वहाँ से ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा से आगे मैंने जलमार्ग बनाया है। तो मैंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी के स्पेशल रिक्वेस्ट पर वहाँ जो मुंगली पोर्ट है वो 250 किलोमीटर बांग्लादेश में घुसकर मैंने जलमार्ग बना के दे दिया है। तो पूरा दिल्ली से सोनीपत से नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं, केवल कलकत्ता हल्दिया तक नहीं, तो साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना तक ये जलमार्ग जाएगा, और इसमें काफ़ी तरक्की होगी, और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ के लोगों को नए रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं तो मैंने कार्गो परिवहन के लिए गंगा एवं उसकी सहायक नदी गंडक वहाँ भी जोड़ने के बारे में जलमार्ग बनाकर उसका DPR बना के रखा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि निश्चित रूप से इसके तरफ आप जरूर ध्यान दीजिए। कालूघाट में इंटर मोडल टर्मिनल बन रहा 80 करोड़ का। इतना ही नहीं तो रो टर्मिनल, रो पैक्स बन रही है, जहाँ ट्रक और बसें जहाज में डालेंगे उधर पहुँच जाएंगे। तो विशेष रूप से ये भी विषय के तरफ आप ध्यान दीजिए। नमामि गंगा में मैंने बिहार को 6,000 करोड़ रुपए दिए थे, पटना के लिए 7 प्रोजेक्ट दिए थे, और मैं चाहता था कि गंगा शुद्ध हो, अविरल हो, निर्मल हो। और जब मैं कुंभ में आया था तो पानी बहुत अच्छा था। मैं आज ये भी आपसे अनुरोध करूँगा कि ये नमामि गंगा के प्रोजेक्ट का भी आप और नीतीश कुमार जी दोनों के मार्गदर्शन में रिव्यू करिए, ताकि ये भी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हो जाएंगे। आखिरी में मैं एक रिक्वेस्ट आपको भी करता हूँ, जनता को भी करता हूँ। मैं किसान हूँ, मैं उद्योगपति नहीं हूँ,
और मेरे क्षेत्र में मैंने 15,000 युवाओं को रोजगार दिया है। मैं 3 चीनी मिले चलाता हूं और आपका जो राइस से जो हस निकलता है उसको क्या कहते हैं आप, हस को, भूसी, मुसली, उससे मैं 80 मेगावाट बिजली तैयार करता हूं। तुम्हारे जिले को लगती होंगी उतनी बिजली तैयार करता हूं। और अभी मैंने ये जो परली है राइस स्ट्रॉ, इससे मैंने बायो सीएनजी बनाया है और देश का पहला मेरा ट्रैक्टर बायो सीएनजी पे चलता है। 1,00,000 रुपए की बचत होती है। अब तुम्हारे यहाँ इतनी जमीन है, इतना अच्छा राइस होता है, चावल होता है, ये राइस स्ट्रॉ है तो मेरे पास आइए, फुकट में टेक्नोलॉजी दूंगा। गोविंद नारायण जी, तो आप आ जाइए और आप यहाँ ये पूरा इसमें सीएनजी बनाइए, आपकी ट्रैक्टर, आपकी बसेस, आपकी ट्रक उस पर चलेगी। और सबसे बड़ी बात जो मेरे जीवन का सपना है, 2004 से मैं काम कर रहा हूँ, वो सपना है कि इस देश के जितना पेट्रोल डीजल है उसको देश से निकाल देना है। ये देश का नहीं है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। हम इथेनॉल बनाने की शुरुआत हमने की, मैं 2004 से बात कर रहा हूँ, ये सुनते आए हैं पर यहाँ कुछ काम नहीं किया इन्होंने। मैं अभी मेरे यहाँ हम लोग इथेनॉल पर चलने वाली बजाज कंपनी की स्कूटर, हीरो की स्कूटर, टीवीएस की स्कूटर और मोटरसाइकिल लाई है। इथेनॉल का रेट 60 रुपए लीटर है और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर है। इथेनॉल के पंप की परमिशन दे रहे हैं और जो ब्रोकन राइस है जिसको कीमत नहीं मिलती, उस राइस से, उस चावल से हम इथेनॉल बना रहे हैं। 150 उद्योग उसके शुरू हुए हैं। तेजस्वी जी, यहाँ पूरा चावल होती है, चावल से इथेनॉल तैयार होगा तो इनके चावल को अच्छा भाव मिलेगा। अब देश में 450 करोड़ लीटर इथेनॉल केवल तैयार हो रहा है, हमारे देश में केवल पेट्रोल में डालने के लिए 20% के लिए 1,000 करोड़ लीटर चाहिए। मैंने अपने घर पर इथेनॉल पर चलने वाली टोयोटो की गाड़ी कैमरी मेरे घर में है, जिसको डाउट है वो मेरे घर पर आओ, इथेनॉल के गाड़ी में घूमो, एयर कंडीशन गाड़ी है टोयोटो की, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मर्सिडीज गाड़ी में भी किसमें हैं। मेरे घर पर पानी से हाइड्रोजन निकालकर हाइड्रोजन पर चलने वाली टोयोटो की गाड़ी है जिसका नाम है मिराई, मिराई यानी भविष्य। और ये हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी इतनी सुंदर है कि तेजस्वी जी, आप अगले बार आओगे तो हाइड्रोजन के गाड़ी में आपको चक्कर लगाऊंगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये हाइड्रोजन आप तैयार कर सकते हैं, किसान तैयार कर सकते हैं, बिहार के किसान तैयार कर सकते हैं, ये इथेनॉल आप तैयार कर सकते हैं। 16,00,000 करोड़ का इंपोर्ट हो रहा, आयात हो रहा है पेट्रोल डीजल की। अगर ये पैसा अगर किसानों के घर में जाएगा, इनके बेटों को रोजगार मिलेगा, तो हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। और जिसको चाहिए टेक्नोलॉजी मेरे पास आ जाओ, सब सक्सेसफुल है, भारत सरकार ने स्वीकार किया है। अगर बिहार में आ जाएगा तो बिहार में 00,00,000 करोड़ गांवों में जाएंगे और यहाँ के किसानों को सही कीमत मिलेगी। अब कौन से मक्के से इथेनॉल बनता है, और ये बिहार में बीच में काफ़ी बड़े प्रमाण पर यह प्रयास हुआ कि पुरानी सरकार में भी कोशिश की, शहनवाज हुसैन मेरे पास बार बार आते थे, काफ़ी प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। मैं तेजस्वी जी से अनुरोध करूंगा कि ये विषय की तरफ आप ध्यान दीजिए। बिहार इस देश का समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली राज्य बनेगा, ये मेरा विश्वास है। कम से कम 4,00,000-5,00,000 करोड़ रुपए गरीबों के घर में जाएंगे, इंपोर्ट खत्म होगा, प्रदूषण समाप्त होगा, किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी और गांव के जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा और हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। ये धान का कटोरा है पर हमारे देश में चावल को कीमत नहीं। चावल सस्ता है, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, गन्ना सस्ता है, शुगर भी हालत खराब है,
हमारे देश में टमाटर सस्ता है, सॉस महंगा है, संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। मैं किसान हूँ और मेरे यहाँ अभी 50,000 एकड़ गन्ना है। मैं भी एग्रोविजन का कार्यक्रम करता हूँ, 5,00,000 किसान आते हैं देश भर के, और मैंने अपने जीवन को किसानों के विकास के लिए अब समर्पित कर दिया है। इस देश में 65% आबादी गाँवों में रहती है। गाँवों में रहने के लिए अच्छे रोड बनने चाहिए, गाँव में अच्छी स्कूल खुल मिलनी चाहिए, गाँव में अच्छे अस्पताल खुलने चाहिए, गाँव के जवान लड़कों के हाथों को काम मिलना चाहिए, और जो गाँव के लड़के मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, पटना गए, वो फिर से वापस गाँव की ओर लौटने चाहिए। यही हमारा सपना है। ये कठिन है पर असंभव नहीं है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं 18 साल महाराष्ट्र के राजनीति में था। आप कभी मुंबई गए हो? वो समुंदर में जो ब्रिज देखा ना आपने, जो समुंदर में बना है, बहुत जहाँ फोटो लगता है, वो मैंने ही बनाया। वर्ली बांद्रा सीलिंग 55 फ्लाईओवर बनाए, और वही मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे देश का पहला बनाया था। और फिर अटल जी ने मुझे बुलाया था और मुझे कहा था कि इस देश में तुमने बहुत शहर में काम किया, आप गाँव के लिए काम करो। तो इस देश के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी ये पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गांव को जोड़ने वाली योजना बनाने के लिए मुझे आदेश दिया। आज जो सबसे लोकप्रिय योजना है, जो राज्य सरकार और भारत सरकार की चलती है, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और 6.5 लाख गांवों में से आज 4 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हुआ है। बहनों और भाइयों, गांव गरीब मजदूर का, किसान का कल्याण होना चाहिए। ये देश से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। और इसलिए मैं विकास के कामों में राजनीति नहीं करता। सरकार किसी का भी हो, कोई भी एमएलए हो, कोई भी एमपी हो, देश हमारा है और इस देश का हर नागरिक हमारा है, चाहे कोई भी पार्टी में हो, किसी को भी वोट दो। मैं विश्वास दिलाऊंगा कि हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो मैं तेजस्वी जी से अनुरोध करूंगा कि सब आपके प्रॉब्लम लेकर, एजेंडा लेकर दिल्ली आओ। आप जो जो काम बोलोगे वो पूरे मंजूर करके दूंगा, आरओबी हो, आरयूबी हो। और बिहार को चमकाओ, बिहार को हिंदुस्तान के प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य में पहले 5 राज्यों में लेकर जाओ। इसके लिए पूरी ताकत के साथ मैं तो मदद करूंगा ही, पर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेगी। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार छेदी पासवान जी को, रामदयाल जी को, सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए यहाँ की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता, झारखंड की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता और उसके साथ साथ बिहार की जनता जो मेरे सामने बैठी है, उनको इस ब्रिज के लिए बहुत बहुत बधाई, आपका अभिनंदन, धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका माननीय मंत्री महोदय जी, आपने अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित किया है। आपके प्रगतिशील विचार एवं सृजनात्मक दूरदर्शिता ने बिहार को एक नई पहचान दी है, एक जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ प्रतिनिधि का उदाहरण जो आपने प्रस्तुत किया है वो अभूतपूर्व है, और प्रगति के लिए आप सदैव सबको